राजधानी दिल्ली के मुक्तधारा ऑडिटोरियम में दर्शकों से खचाखच भरे हॉल में देश के बंटवारे की यादें एक बार फिर ताजा हुई। मौका था अस्मिता ग्रुप की ओर से पार्टीशन नाटक के मंचन का। सादत हसन मंटो के द्वारा लिखी गई कहानियों पर आधारित नाटक पार्टीशन का जब स्टेज पर मंचन किया गया तो दर्शकों में खामोशी छा गई। डोबरटीक सिंह कहाँ है? सियालकोट पहले हिंदुस्तान में हुआ करता था, पर अब सुना है कि वो पाकिस्तान में है। क्या पता लाहौर जो ही पाकिस्तान में हिंदुस्तान में क्यों चला जाए? क्या पता पूरा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। अरविंद गौड़ द्वारा निर्देशित इस नाटक ने बंटवारे के उन काले पन्नों को पलटा जिन काले पन्नों पर इंसानों के रूप में इंसानियत की मौत दर्ज है। नाटक में बखूबी के साथ हर किरदार ने अलग अलग कहानियों में अपनी एक्टिंग के रंग भरे। टॉपर टेक सिंह और बूढ़ी माँ को अपनी बेटी की तलाश जैसे मंचनों ने दर्शकों को खूब भावुक किया। मंटो की कहानियों को लेकर नाटक बनाया गया पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब है कि हमारी जब हमारे देश का विभाजन हुआ था उसके इर्द गिर्द जो कहानियां हैं, जो दर्द भरी कहानियां हैं, इंसानियत कहानियां हैं, जो व्यक्तिगत त्रासदी कहानी है, उनको इकट्ठा करके इस नाटक बनाया गया। तो इसमें अलग अलग जो है 6 कहानियां हमने चुनी जो इंसानियत के बारे में बात कर रही है, कहीं ना कहीं हमें एक सबक देती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इंसान अपनी गलतियों से, राजनीति और धर्म की राजनीति की वजह से किस तरह विभाजन हुआ, किस तरह से चीजें बनी, उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा, चाहे और विशेष रूप से जो औरतों के ऊपर पड़ा। जो समाज में ज्यादातर कहानियां हमारी उससे इर्द घूमती है। मंटो अपने समय के बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने अपने समय को जो बहुत ही ताकत के साथ उसमें बांधा है, और कहानियां कहीं ना कहीं हमारे अंदर टच करती है। और ये नाटक हमने 5 साल से लगातार कर रहे हैं, और ये नाटक हमने दोबारा से रिवाइव किया नए एक्टर के साथ, और आज इसका जो है मतलब 50 से ज्यादा मंचन हम कर चुके हैं इसके। और ये बिजली हमें याद दिलाता कि हमें क्या नहीं करना है, ताकि दोबारा से ऐसी स्थिति कहीं हमारे समाज में, हमारे देश में या कहीं पर ना आए। एक समाज इंसानियत के बल पर रहे और लोग दर्द और दुख को समझे, और यही नाटक ही कहता है। इस नाटक में जो साफ तौर पर संदेश देखा गया वह इस तरह था कि हिंसा का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि हिंसा के बदले केवल हिंसा ही जन्म लेती है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।